सुन अर्जुन मो वंशरा, जैसल नाम धराए, को एक दिनों के आंतरे एथ बसेला आए। जैसलमेर के दुर्ग की पराक्रम गाथाओं की साक्षी ये विशाल तोप है। कहते हैं कि कड़क बिजली नाम की इस तोप का गोला एक मील दूर तक मार करता था। दुर्ग के अखे पोल और सूरज पोल के बीच का मैदान वो पावन स्थल है जहां पर एकत्रित होकर रणबांकुरों ने निर्णायक बलिदानी आक्रमण किया था। अपने स्थापत्य में अभेद्य इस विराट दुर्ग का सौंदर्य भी अप्रतिम है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इसे देखकर लगता है मानो स्वर्ग से स्वर्ण का कोई दुर्ग राजस्थान की इस पुण्य भूमि पर रणबांकुरों के पराक्रम और बलिदान के यश में वृद्धि करने भूमि पर उतर आया हो। विश्व प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय ने इसे सोनार दुर्ग ही कहा था। अपनी स्थापना के समय में जैसलमेर का ये दुर्ग विशिष्ट था क्योंकि ये उत्तर भारत से गुजरात जाने वाले अति महत्वपूर्ण व्यावसायिक राजमार्ग के ठीक मध्य में स्थित था। इस विराट मरुभूमि में ये आने जाने वाले व्यापारियों के काफिलों के लिए एक महत्वपूर्ण आश्रय स्थल तो था ही, इस स्वर्णिम दुर्ग की सेनाएं उन्हें इस वीराने में सुरक्षा और सुगमता की आश्वस्ति भी देती थी। यही कारण था कि इस दुर्ग पर अनेक बार आक्रमण हुए, अनेक बार इस पर नियंत्रण के लिए इसकी घेराबंदी की गई, परंतु सन 1294 में जो हुआ उसने विश्व में पराक्रम और बलिदान की एक नई गाथा लिख दी। सन 1294 में तुर्क खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने किले को सब ओर से घेर लिया। दुर्ग अभेद्य था, इसलिए प्रतीक्षा करना ही एकमात्र विकल्प था और खिलजी ने प्रतीक्षा की। कई वर्ष बीत गए। सन 1299 आते आते जब किले में रसद समाप्त होने लगी तब स्वाभिमानी राजपूतों ने समर्पण करने की जगह अपना बलिदान करना सर्वोपरि माना। पुरुषों के सिर पर केसरिया पाग सज गए, भव्य ललाटों पर रक्त चंदन के तिलक लगाकर कंगन बजाती हुई वीरांगनाओं ने अपने वीरों को प्रणाम कर उनसे अंतिम विदा ली। सोलह श्रृंगार से सज अपने बाबुल और पति के पराक्रम का यशगान करती अपने घाघरे और गोटे के सौंदर्य के अभिमान में नृत्य करती हजारों वीरांगनाओं ने धधकती अग्नि में अपना जीवन उत्सर्ग कर अग्नि को भी पवित्र कर दिया। Oh,
बलिदान से प्रेरित वीर कभी न लौटने के लिए लड़े और रणभूमि को अपने पराक्रम से कंपा दिया। आज भी उनके सर्वोच्च बलिदान के कारण पूरे राजस्थान का माथा गर्व से ऊंचा है। कुछ समय बाद वीर भाटी राजपूतों ने जैसलमेर को पुनः अपने अधिकार में ले लिया, परंतु साधु की भविष्यवाणी सच होनी ही थी। सन 1315 के आसपास एक बार पुनः जैसलमेर की अग्नि परीक्षा हुई। दिल्ली के सुल्तान की सेना ने जैसलमेर के दुर्ग को घेर लिया। कहते हैं इस बार 16,000 स्त्रियों ने शाका किया, परंतु साधु ने महारावल जैसल को 250 की चेतावनी दी थी। 16वीं सदी में एक अफगान सरदार आमिर अली ने छल पूर्वक स्त्रियों के वेश में अपने सैनिक किले में घुसा दिए। दुर्ग के भीतर ही रण छिड़ गया। अपने साथ हुए धोखे से हतप्रभ क्षत्रानियों ने एक बार फिर शाका के लिए तैयारी की, परंतु इस बार शत्रु जीवित वापस नहीं जा सका। समय रहते किले पर मदद पहुंच गई और राजपूतों ने सारे आक्रांताओं को मौत की नींद सुला दिया। राजस्थान का आकाश आज भी उन बलिदानों के यश से गूंजता है। भारत के सदियों तक पराधीन रहने के बाद भी उनकी वीरता और स्वाभिमान को भुलाया नहीं जा सका। भारत का लोकचित्त आज भी बहुत कृतज्ञता से उनके बलिदानों को स्मरण करता है। अंदर दर्शन आवियो इलकत करण हुंदे बिन बावद ला उतर आदमति बिन बावद ला उतर आदमति बिन बावद ला उतर आदमति बिन इन घोर कटा कणी हुमली इन घोर कटा कणी हुमली पर पाल उड़ी कणी हुमली मुख मांगर बोल इंदोर करो मकवाल घोरे मकरो मदरो बदरो बदरो जैसलमेर के दुर्ग की सबसे अद्भुत विशेषता है इसका अद्वितीय जल प्रबंधन। 14वीं सदी तक ये दुर्ग अपनी जल की आवश्यकताओं के लिए दुर्ग के भीतर बने कुओं पर ही निर्भर था, परंतु 14वीं सदी में रावल गणसी ने जल प्रबंधन की पारंपरिक भारतीय विधियों का उपयोग करते हुए दुर्ग के ठीक नीचे एक विशाल जलाशय का निर्माण करवाया। तपती मरुभूमि में जल का इतना विशाल स्रोत तैयार करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज भी गढ़ी सरताल वर्षा जल प्रबंधन का अनुपम उदाहरण है, परंतु इसके उपयोग की सार्थकता से भी कहीं अधिक बढ़कर है इसका सौंदर्य। पीले बलुआ पत्थरों से बना गढ़ीसर पत्थरों से रची गई किसी कविता से कम नहीं है। इसके घाटों पर बनी छतरियां इसके स्निग्ध सौंदर्य को और बढ़ा देती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब आदित्य इन बलुआ पत्थरों और जल के अद्भुत समागम पर अपनी रश्मियां बिखेरते हैं तो लगता है जैसे धरती और आकाश
एक ही रंग में घुल मिल गए हों। महारावल जैसल का ये दुर्ग कोई साधारण दुर्ग नहीं है और उनका यदुवंशी भाटी वंश भी इस दुर्ग की तरह ही असाधारण है। ऐसी मान्यता है कि महारावल जैसल और उनके वंशज जो आज भी जैसलमेर के महारावल हैं, श्री कृष्ण के वंशज हैं। श्री कृष्ण का दिव्य मेघाडंबर छत्र आज भी जैसलमेर राज परिवार की शोभा है। इस मेघाडंबर छत्र और श्री कृष्ण से वर्तमान महारावल श्री चैतन्य राज सिंह तक की वंशावली को जैसलमेर राज परिवार अपनी सबसे अमूल्य निधि मानता है। जैसलमेर की भूमि पर पराक्रम और बलिदान कोई बीते कल की बात हो ऐसा नहीं है। सन 1971 के युद्ध में इसी जैसलमेर की पाकिस्तान से लगी भारत की सीमा पर लोंगोवाल के क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना के 3,000 सैनिकों ने 39 टैंकों की एक पूरी रेजिमेंट के साथ भारत पर आक्रमण किया। भारत की ओर से इस भारी भरकम लश्कर का मुकाबला करने के लिए कुल 200 सैनिकों की एक कंपनी थी। ऐसे में भारतीय सेना के उन 200 लड़ाकों ने कैप्टन बलबीर सिंह के नेतृत्व में अपने अदम्य साहस और पराक्रम से 3,000 पाकिस्तानियों को धूल चटा दी। जिस पैटर्न टैंक को दुनिया अभेद्य मानती थी, उसी पैटर्न टैंक की एक पूरी रेजिमेंट का इसी जैसलमेर की भूमि पर भारत के रणबांकुरों ने कब्रिस्तान बना दिया। ऐसा अदम्य साहस और अभूतपूर्व पराक्रम, अपने जीवन तक को मातृभूमि पर न्योछावर करने की ऐसी इच्छा शक्ति, यह किसी दिव्यता की छत्र छाया के बिना संभव नहीं। जैसलमेर पर दिव्यता की यह कृपा है तनोट माता। जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर दूर भारत की सीमा पर स्थित है तनोट माता का मंदिर। लोगों का यह विश्वास कि माता तनोट इस क्षेत्र की रक्षा करती हैं, यूं ही नहीं है। सन 1965 और फिर 1971 के भारत पाक युद्ध में शत्रु ने जानबूझकर इस मंदिर पर कई रॉकेट दागे, परंतु चकित कर देने वाली बात यह है कि उनमें से एक भी नहीं फटा। आज भी मंदिर के प्रांगण में वो बम और रॉकेट सहज कर रखे गए हैं जो इस क्षेत्र पर मां तनोट के अभय का प्रमाण है। ऐसा ही अभय मिलता है जैसलमेर के रामदेवड़ा में। ये भारत के प्रसिद्ध संत रामदेव बाबा का स्थान है। आज भी वार्षिक रूप से लगने वाले उनके मेले में लाखों की संख्या में लोग यहां आते हैं। तनोट माता और रामदेवड़ा यदि दिव्यता की कृपा है तो जैसलमेर के पूर्वजों का स्थान है नगर के निकट ही स्थित लोद्रवा। कभी ये महारावल जैसल के पूर्वजों की राजधानी थी। आज भी यहाँ यदुवंशी भाटियों के वैभव और राजस्थान की उत्कृष्ट वास्तुकला के भव्य स्वरूप देखे जा सकते हैं। यहाँ के हिंगलाज माता, चामुंडा माता, भगवान शिव और पार्श्वनाथ जी के मंदिर भारत की संस्कृति और परंपराओं तथा कौशलों के सनातन होने के प्रमाण हैं। ऐसी ही भव्यता दुर्ग के भीतर स्थित श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर की है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण आज ये दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर है। दुर्ग का सबसे भव्य अनुभव है यहाँ का राजमहल पैलेस, जो अपने भीतर सैकड़ों वर्षों के जीवन, उसकी पीढ़ियों, उनके उत्सवों, उनके पराक्रम
उनके बलिदानों, उनकी परंपराओं और उनके मातृभूमि से प्रेम का निरंतर साक्षी रहा है। इस किले के पराक्रम और बलिदान के यश ने इसे समय से परे खड़ा कर दिया है। अनेक बार इतिहास को रच देने वाला जैसलमेर का ये दुर्ग आज भी अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा है। समय की आंधियों का इसने भर मन से सामना किया है। पराक्रम और बलिदान की ऐसी गाथाएं लिखी हैं जिन्होंने मानव के स्वाभिमान और बलिदान के उच्चतम प्रतिमान गढ़ दिए। उत्सव और उत्सर्ग का ऐसा अनोखा समुच्चय जिसने अपने भीतर मानव जीवन की अनंत यात्रा को ही मानो सार गर्भित कर समो लिया है। मानव जीवन के उच्चतम मूल्यों ने काल की अनंतता के तीव्र प्रवाह में मानो कुछ ऐसा रच दिया है जिसे मिटाना शत्रुओं के लिए तो क्या समय के लिए भी असंभव है। शायद इसी को कालजयी कहते हैं।